हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। ओम हरि ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सर्वे लंबोदराय सकलाय जगदुदाय नागाय नानाय द्वितीयाग्र विघोषिताय गौरीशुदाय गणनाथ नमस्तुते गौरीशुदाय गणनाथ नमस्तुते हरि ओम ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावन चार भुजा धारी मस्तक सिंदूर जगी पार्वती पिता महादेवा सूर्य
बना करके और जो सरकारी स्कूल है उनकी कितनी दुर्गति करते हैं और किस तरह से कह सकते हैं कि शिक्षा का जो है व्यापार चलाते हैं, वो एक बड़ा दुखद है हमारे समाज के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। तो उस पर जब सब्जेक्ट इन्होंने सुनाया मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने जिसको जिसको ये बात कही कि मैं ये फिल्म करने जा रहा हूँ तो सभी लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इस विषय पे फिल्म बननी चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि इस फिल्म की हीरो और हीरोइन दोनों आम्रपाली जी हैं और वो शिक्षा माफिया में जिसको सुधारती ही है, तो इस तरह की फिल्म है। पर मेरा कैरेक्टर जो है रोमियो राजा, वो नाम से ही पता चलता है कि रोमियो राजा, राजा है, रोमियो है। और मजेदार फिल्म है, प्यार में कैसे सुधरता, प्यार में सुधरता है और सब सुधर जाते हैं प्यार में, अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। तो ये भी सुधर जाता है जो अपने पिताजी के साथ में मिल करके और
शिक्षा का व्यापार चला रहा होता है वो कैसे प्यार में पढ़ के और फिर सारी चीजें अच्छी होती है, ये मूल कहानी है। पर इसका जो ताना बाना बुना गया वो इतना बढ़िया, हमारे मनोज नारायण जी जिनके साथ अभी मेरी फिल्म आई थी शेर हिंदुस्तान, इन्होंने रचा है, कि हमारी ऑडियंस को फिर से, मैं तो ये कहूंगा कि फिर से निरहुआ हिंदुस्तानी जैसी फिल्म देखने को मिलने जा रही है उनको। जितना उनको खुशी मिली थी निरहुआ हिंदुस्तानी देख के और निरहुआ हिंदुस्तानी करके जितना मुझे अच्छा लगा था, अब जब मैं रोमियो राजा का पार्ट बना हूं और रोज जब हम उस पर काम कर रहे हैं उसके कहानी पे उसके गाने पे, तो मुझे वही फीलिंग आ रही है जो निरहुआ हिंदुस्तानी बनाते समय आई थी। सर तो कहीं ना कहीं क्या कुछ दिन आपका निगेटिव रोल में भी होगा? अपने आप में ये निगेटिव है, देखिए निगेटिव ये बात ही निगेटिव है कि शिक्षा का व्यापार करना, मैं एक बड़े बाप का बेटा हूँ जो प्राइवेट स्कूल चलाता हूँ और डिग्रियां बेचता हूँ। कोई आता है अगर पढ़ने के लिए हमारे सरकारी स्कूल में, तो मैं उनको कहता हूँ कहाँ वहाँ समय बर्बाद कर रहे हो, आओ कौन सी डिग्री चाहिए मैं बना के देता हूँ। इस तरह का आदमी है तो नेगेटिव ही हुआ। पर ऐसा आदमी कैसे सुधरता है जब उस गांव में एक पढ़ी लिखी समझदार और जागरूक लड़की आती है जिसको ये समझ है कि सब कुछ का व्यापार होना चाहिए, शिक्षा का व्यापार नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर शिक्षा का व्यापार हुआ तो ये हमारे देश के लिए इससे दुखद कुछ और नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत अहम भूमिका फिर निभाती हैं आम्रपाली जी। आम्रपाली जी बताइए अपने किरदार के बारे में। लगता है कि शिक्षा का व्यापार, अगर हम रियल जिंदगी की बात करेंगे तो आपने फिल्म की बात की, रियल में भी शिक्षा का व्यापार अभी होता है? हमारी गवर्नमेंट बहुत कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि उसको रोकने की बहुत कोशिश होती है, पर अभी भी आजकल तो मैं चूंकि राजनीति में भी आ गया हूँ, तो मैं जब जाता हूँ गांव में, आजमगढ़ में जाता हूँ और वहाँ पे काम करता हूँ, तो ऐसी बातें आती हैं मेरे सामने कि बहुत सारे ऐसे स्कूल चल रहे हैं जिनको मान्यता नहीं है, फिर भी वो चला रहे हैं, कागज पे चला रहे हैं, और ना उसकी कोई बिल्डिंग बनी हुई है और ना ही जो उनको मानक दिया गया है कि कम से कम आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए ये चीजें होनी चाहिए, उसके बिना वो लोग स्कूल चला रहे हैं। तो ये आज भी रियल में हो रहा है, तभी तो फिल्में बनती है। फिल्में तभी बनती है जब समाज में कुछ इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं उसको रोकने का भी हमारा प्रयास होगा कि जो लोग देखेंगे उनको भी कम से कम लगेगा कि भाई ये गलत है और इस तरह नहीं करना चाहिए। जी, आपने बहुत सारी फिल्में की, लेकिन उस फिल्म से कितना हटकर होगा ये फिल्म, और इस फिल्म में ऐसी क्या खास स्टोरी लगी जो आपने इस फिल्म के नाते? आई थिंक बहुत सारी फिल्में की हैं मैंने अपने करियर में, और वो सारे किरदार मेरे बहुत करीबी हैं, मुझे बहुत पसंद है। फिल्म तो कंप्लीट हो जाती है लेकिन वो कैरेक्टर हमेशा आपके साथ ज़िंदा रहता है, जो भी कैरेक्टर आपने प्ले किया हो। बट इस फिल्म में जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ मेघा, आई थिंक मैं सबसे ज़्यादा रिलेट अपने पूरे करियर में अगर किसी कैरेक्टर से कर पा रही हूँ तो मेघा से कर पा रही हूँ। बिकॉज आए दिन जब हम न्यूज़ देखते हैं और देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को अपनी पढ़ने की और सीखने की उम्र में सब छोड़ के चाइल्ड लेबर की तरफ जाना पड़ रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो स्कूल में पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये फिल्म करके मुझे लगता है कि मैं उसके खिलाफ अपने लेवल पर कुछ कर सकती हूँ, और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है इस फिल्म का हिस्सा होकर। तो मेघा का किरदार निभाने के लिए आपको कुछ खास तैयारी करनी पड़ी, क्योंकि जब आप नए किरदार के लिए फिल्म के लिए जब आप तैयार होते हैं तो आपको नयापन देना होता है, एक नई तैयारी करनी होती है, तो इस फिल्म के लिए कुछ आपको डायरेक्टर की तरफ से कुछ गाइड किया गया है? मेरे डायरेक्टर सर लकीली बहुत अच्छे हैं और वो हमेशा फ्रीडम देते हैं कि आप, ये कैरेक्टर है आपका और आप अपने हिसाब से इसको करिए, और अपनी लेवल पर मैं ये कर रही हूँ कि मैं वीडियोस देखती रहती हूँ कि एनजीओ की जो टीचर्स होती हैं जो कोई फीस नहीं लेती, जिनको जो सिर्फ पब्लिक सर्विस के लिए बच्चों को पढ़ाती हैं, मैं उनके वीडियोस देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि वो कितना मन लगा के बच्चों को पढ़ा रही है, वो उनको क्लीनलीनेस के बारे में जानकारी दे रही हैं, पौष्टिक भोजन के बारे में उनको उनके परिवारों को जानकारी दे रही हैं। मैंने यूनिसेफ इंडिया और ग्लोबल यूनिसेफ को फॉलो करना शुरू किया है यही सब जानने के लिए कि वो पढ़ाई के लिए किस स्तर तक काम करते हैं, तो वो सब देखकर मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ। आई एम श्योर ये फिल्म ख़त्म करते करते मैं कोई एक एक्टिविस्ट भी बनी जाऊँगी पढ़ाई को लेकर सोशली। तो मनोज जी आप क्या कहना चाहेंगे, इस फिल्म के मुहूर्त किया गया है, कब तक फिल्म की शूटिंग की तैयारी है, कब तक शूटिंग का? देखिए 12 अक्टूबर को हम लोग शूट पे जा रहे हैं, 12 से हम लोग शूट स्टार्ट कर रहे हैं, 11 को हमारी पूरी यूनिट आजमगढ़ में होगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात मेरे लिए थी कि आजमगढ़ में गया था, सर ने मुझे बुलाया था वहाँ पे, तो एक
तो इनका क्षेत्र भी है और इतना अच्छा लगा वहाँ पे हम लोगों को लोकेशन और कॉपरेशन लोगों का देख करके कि वहाँ पे हर आदमी इंटरेस्टेड है कि दिनेश जी हमेशा के लिए यहाँ बस जाएँ और दिनेश जी का भी सपना है कि वहाँ पे किस तरह से फिल्म ग्रुप आए जो कि स्टूडियो की तरह यहाँ हम लोग मैंने प्रोडक्ट करते रहे और वहाँ के लोकल लोगों का भी कॉपरेशन इतना अच्छा लगा जैसे लगता था कि कोई भाई बिछड़ा हुआ दूसरा भाई मिल गया। तो मुझे जिस तरह का लोकेशंस वगैरह चाहिए वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने मैनेज करवा दिया और बहुत सारे लोगों का कॉपरेशन मिला यहाँ तक क्योंकि मुझे एक स्कूल चाहिए था जिस स्कूल में बोर्डिंग स्कूल वाले भी हमें कॉपरेट करे और गवर्नमेंट स्कूल वाले भी हमें कॉपरेट करे तो उस तरह का लोकेशन भी हमें मिला वहाँ बच्चे भी सब रेडी हैं हमारे साथ काम करने के लिए। तो एक तो सबसे पहली बात ये चीज़ थी वहाँ पर काम करने का मेरा वहाँ पर जाकर शूट करने का। दूसरी चीज़ ये जो सब्जेक्ट है वो हमारे दिनेश जी को बहुत अट्रैक्ट किया। मैं भी डरते डरते सुनाया कि अभी तो ग्लैमर का लाइन है बहुत सारी मतलब कमर्शियल फिल्में बन रही हैं तो मैंने इनसे कहा सर एक सब्जेक्ट है आप देखिए इसको। तो चूँकि ये हमेशा समाज के लिए एक अच्छा मैसेंजर है तो उनको लगा कि नहीं ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है और इस पर हम लोग काम करेंगे कि इसको कमर्शियल बनाएंगे इस फिल्म को। तो एक सब्जेक्ट ऐसा है कि गरीब के जो बच्चे होते हैं वो बोर्डिंग स्कूल तक नहीं पहुँच पाते क्योंकि उसके पास खाने के लिए खुद का पैसा नहीं होता है बाप को मजदूरी करके पैसे नहीं आते हैं तो बच्चों को वो भेज सके बोर्डिंग स्कूल में। और अभी बोर्डिंग स्कूल इस तरह से हावी है कि जो बच्चे हैं जो गरीब के बच्चे हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं जो एक बाप का भी सपना होता है कि मेरी बेटी है कभी ये IAS बनेगी IPS बनेगी मेरे बाप बुढ़ापे का सहारा बनेगी लेकिन उसका सपना तब चकनाचूर हो जाता है जब उसके पास कोई सक्षम नहीं होता कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होता है। आज जो पैसे वाले के बच्चे हैं वो सभी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं तो इसमें अम्रपाली जी ने एक इनके लिए एक चैलेंज है कि उस समाज से उस गंदगी को हटाना कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं जबकि हमारी गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटीज़ दे रही है इतनी फैसिलिटी इतनी सुविधाएँ दे रही है लेकिन हम उसको बेनिफिट हमारे उस स्टूडेंट तक नहीं पहुँच पा रहा है जब उनको मिलना चाहिए जबकि बोर्डिंग स्कूल से बेटर टीचर है हमारे उसके उसमें और सुविधा भी बहुत अच्छा है लेकिन वो सुविधा वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है जिसके माध्यम अम्रपाली जी हैं उनके माध्यम से मैं उस मैसेज को हर गार्जियन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि आपको हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारी सरकार आपको इतनी फैसिलिटी दे रही है कि आप बोर्डिंग स्कूल को भूल जाइए आपके बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़कर भी IAS IPS और बहुत बड़े नेता मंत्री बन सकते हैं। और उसमें दिनेश जी का जो पार्ट है ये एक्चुअली पार्ट इनका इस तरह का है कि ये फिल्म को एक सूत्रधार जो होता है फिल्म को लेकर जाने का तो इन्होंने शुरुआत किया इन्होंने कहा कि भाई मैं तो नेगेटिव कैरेक्टर करूँगा और फिर मैं भी एक समाज के लिए मैसेंजर बनूंगा लास्ट में जाकर तो इन्होंने उस सब्जेक्ट को एक्सेप्ट किया और वो बड़ा चैलेंजिंग कैरेक्टर सर के लिए भी है और मेरे लिए भी हम सबके लिए है कि उस कैरेक्टर में अपने आप को इन्होंने खुद ही अपना बताया कि मेरा इस तरह गेटअप रखिए ऐसे रखिए यूपी बिहार में इस तरह से ये दीमक की तरह छाया हुआ है ये जो चीज़ें हैं जो गरीब बच्चों का शोषण गरीब गार्जियन का शोषण और पैसा लगा करके अब आपको पता होगा कि बोर्डिंग स्कूल में क्या होता है उसका सूट यूनिफॉर्म का पैसा अलग से हर साल एडमिशन करना हर दिन उसका अलग अलग फी लेना ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे वहाँ पर शोषित हो रहे हैं तो ये उस चीज़ को करते हैं लेकिन बाद में जाकर जो इनके अंदर चेंज आती है सोचते हैं कि आखिर वही बच्चे जो हमारे समाज में पल रहे हैं जिनके पास सक्षम नहीं हो जाकर के चाय बेच रहा है कोई बकरी चला रहा है कोई जाकर के होटल में काम कर रहा है कोई सब्जी लड़की बेच रही है जबकि बहुत ब्रिलियंट बहुत टैलेंटेड लड़कियाँ हैं टैलेंटेड बच्चे जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है उस तरह का चीज़ है कि उन्हें मौका मिले तो वो बहुत बड़े बड़े बोर्डिंग स्कूल के स्टूडेंट को फेल कर सकते हैं लेकिन उनके पास सुविधा नहीं होता मौका नहीं होता है तो वो लोग दब जाते हैं। उसका मैसेंजर ये बने कि नहीं मैं उस तरह के बच्चों का हेल्प करूँगा और ये पूरे आजमगढ़ में बनारस में सारे स्कूल को अपना हर चीज़ डोनेट करके फिर उसके बाद में बहुत मेहनत करके सारे बच्चों को उस लेवल तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। कहीं ना ये हमारे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं शिक्षा माफिया जो है उनमें चेंज आएगा लगता है आपको इस फिल्म को देखने के बाद। देखिए चेंज आएगा नहीं आएगा वो बात की है हमारा काम है कि दुखती रग पे हाथ रखना कि भाई ये गलत है और वो गलत किरदार मैं खुद ही निभा के समाज में बताने जा रहा हूँ कि ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। अब उसको देखने के बाद अगर किसी का हृदय परिवर्तन होता है तो ये बहुत अच्छी बात और जब अशोक का हो गया तो सबका हो जाएगा राजा अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया तो हमारी मानसिकता यही है और हम यही चाहते हैं कि इस फिल्म को देख के लोगों का मेंटालिटी चेंज हो और इस चीज़ से कमाने के बारे में ना सोचे प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में डिफरेंस ना करें सब बच्चों को इक्वल राइट्स टू एजुकेशन मिले बस यही हमारी पूरी कोशिश रहेगी एंड वी होप कि इस फिल्म के बाद लोगों की मानसिकता बदलेगी ज़रूर। सर रोमियो राजा के लिए जब डिसाइड करना हुआ कि हमें स्टार कास्ट कौन होगी हमारी फिल्म के एक्टर कौन होंगे तो उसके लेकर आपकी किस तरह से चर्चा हुई जिसके बाद आपने दिनेश
सुना है, तो ऐसा लगा कि ये फिल्म अभी तक क्यों नहीं बनी, ये मैसेज अभी तक समाज में क्यों नहीं गया, ये तो बहुत पहले आना चाहिए। क्योंकि जो दिनेश जी ने बताया, अमरपाली जी ने बताया, मनोज जी ने बताया, ये प्रॉब्लम आज की इतनी जड़ें जमा चुकी हैं हमारे समाज में ये प्रॉब्लम, बट फिर भी जब आया सामने तो इमीडिएटली हमने एम्प्रूव किया, हमने बोला कि सब्जेक्ट पीछे बनना ही चाहिए। एंटरटेनमेंट के लिए फिल्में बहुत कमी है, लेकिन एक मैसेज कन्वे करने के लिए पिक्चर का बनना बहुत जरूरी है। दिनेश जी से जब मिले इतना अच्छा लगा, इतने कोऑपरेटिव, इतने ज़्यादा वो इन्वॉल्व हुए हैं फिल्म में, इतनी मेहनत कर रहे हैं, अमरपाली जी इतनी मेहनत कर रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो अभी से शूटिंग शुरू होने में टाइम है, लेकिन वो अभी से वो करेक्टर्स जीना शुरू कर दिए। इतने रात रात तक मेहनत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि ये सब्जेक्ट एक ही एम है कि प्रॉपर ये मैसेज समाज में कैसे जाए, कि जो हो रहा है एजुकेशन को लेकर, और हमारे जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, पुअर कम्युनिटी है, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए लोगों में एक जागरूकता आनी चाहिए कि कैसे वो एजुकेशन लेवल उनका ऊंचा उठाया जाए, और ये बिना समाज के सोच के परिवर्तन के मुश्किल है। इसलिए दिनेश जी ने भी बोला कि मैं नेगेटिव बन के वो मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जब तक वो टच नहीं होंगे, वो नहीं चाहेंगे कि ये हम जो कर रहे हैं वो गलत है, तब तक परिवर्तन आना पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली राजेश जी, मनोज जी, निरुभा जी और अमरपाली जी ने सब तो बता दिया है कि कितना नोबल टॉपिक है इस फिल्म में काम करने के लिए। मैं इतना एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक ऐसे विषय की फिल्म जो बन रही है उसका मैं हिस्सा बन पा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं चाहूँगा कि जिस खुशी के साथ हम इस फिल्म को बनाने जा रहे हैं, आप लोग भी इसको उसी तरह से पा रहे हैं और उतना प्यार दें हमें, तो थैंक यू सो मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.